जैसा कि आनंद गंद श्री गुरुदेव के समय से ये परंपरा रही है, गंगा दशहरे के उत्सव से एक दिन पूर्व योगासनों का, योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है, वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे पहले जीवन तत्व साधन की क्रियाएं कराई जाएंगी, फिर योगासन कराए जाएंगे, नीति और जल नीति, कुंजल कुंजल कौन करेगा, करेगा कोई कुंजल, कपाल बाकी कर लेना, किसी से ना मैं कर दूंगा भाई। महावीर, हाँ ब्रह्मचारी महावीर जी हैं, हाँ ठीक है, कपाल बाकी, हाँ कपाल बाकी, और न्यौली आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा, एक व्यक्ति उधर कर लेगा। त्यागी जी तुम इधर आ जाओ, प्रतीक तुम पीछे चलेगा, जाओ जाओ त्यागी इकट्ठे हो जाओ, हाँ त्यागी से त्यागी मिले बिना त्यागी के कोई न करे बात। त्यागी और बैरागी दो नेता हिंदुस्तान के दोनों ऊपर चले गए। हाँ सबसे पहले जीवन तत्व साधन की क्रियाएं जो आनंद कंद श्री महाप्रभु जी नेपाल हिमालय से आने के बाद जो क्रियाएं नौ क्रियाएं प्रभु जी ने अपने मन से प्रकट की, दर्शन करना उधर पहले करना। बाबा जी बोलिए, सबसे पहले सर्वोत्तम जीवन तत्व साधन की पहली क्रिया, दुबे जी थोड़ा सा चौबे हो जाओ, सर्वोत्तम करेंगे, सांस भरिए, बाजू को कड़ा करते हुए, पैरों को नीचे ले जाते हुए, बिल्कुल तानना है, पूरा शरीर तने, सर्वोत्तम बोले, सब अंग ऊपर की ओर। इसमें दो क्रियाएं हैं, तनाव और शिथिलीकरण। हाथों को पीछे लेकर के आएंगे तो शरीर को तानना है, हाथों को आगे लेकर के आएंगे तो शरीर को ढीला छोड़ देना है, पीछे करेंगे तो हाथों को पीछे ले जाएंगे तो श्वास को रोक के रखना है, इससे फेफड़ों का प्रसार होता है, मानी लंग्स एक्सपेंशन इसके करने से होता है। हमारे जो है 7.5 करोड़ एयरफोर्स रहते हैं फेफड़ों के अंदर, प्राय 3 करोड़ में ही ऑक्सीजन जा पाती है, जब हम सर्वोत्तान करते हैं तो पूरे लंग्स पे जितने भी छिद्र हैं सब में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इसके करने से लंग्स की बीमारी ठीक होती है। 3 बार सर्वोत्तान किया जाता है, वापस लाएं, जब आगे लाएं तो पांव को भी ढीला छोड़ दें, है ना, बिल्कुल ढीला कर दिया, धीरे धीरे ढीला करते होते हैं, जैसे हाथ ढीला करें वैसे सांस ढीला करें, एक बार तो करें 3 बार। पैर को भी ढीला ऐसे ऐसे ढीला छोड़ देना चाहिए, हाथ आए तो छोड़ देंगे, उठ जाइए बाएं तरफ करवट लेते हुए। स्कंद चालन दूसरी क्रिया है, स्कंद चालन, हाँ सब करिए, सब करो स्कंद चालन, सीधे बैठ करके अपने कंधों को पहले आगे की ओर चलाओ, आगे त्यागी जी पहले आगे आगे चलाओ, पहले आगे की ओर कंधों को चलाएंगे, पीछे आगे जैसे भी करो, पहले आगे चला लो फिर पीछे चला लो, 7.5 मिनट आगे 7.5 मिनट पीछे, ऐसे 15 मिनट करना होता है। प्रारंभ के जो अभ्यास है वो 5-5 मिनट से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ा लें, अपने बला बल को देख करके करना चाहिए। संचालन के बहुत लाभ हैं, कंधों का कोई भी रोग हो इसके करने से ठीक हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर
फ्रोजन शोल्डर मानिए, ऐसे हाथ नहीं उठता, नजाम हो जाता है, वो इसके करने से ठीक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये बीमारी तो बहुत बढ़ रखी है आजकल महिलाओं में ज़्यादा है। ये सर्वाइकल, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका ही सर्वाइकल रीजन है। यहाँ पर कोई नाड़ी दब जाने से गर्दन में दर्द रहने लगता है, चक्कर आते हैं, किसी किसी को एक हाथ में उतर आता है दर्द, ये करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा और फेफड़ों की शुद्धि होती है। लीवर तक इसका प्रभाव जाता है, जिनको यकृत वृद्धि हो जाती है, लीवर एनलार्जमेंट, फैटी लीवर आजकल बहुत चल। फैटी लीवर का एक और मैं बताऊँ उपाय, त्रिफला को रात को एक चम्मच त्रिफला पानी में भिगो दो, सुबह उसको उबालो, आधा जब रह जाए तो उसमें एक नींबू निचोड़ के और थोड़ा शहद डाल के गुनगुना पियो, फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा उपाय है। साथ में स्कंद चालन करने से फैटी लीवर ठीक होता है। सर्वांगासन करने से भी फैटी लीवर पर बहुत लाभ देखा गया है। हर्ट के बाल भी ठीक हो जाते हैं, बाल खराब हो जाता है, हृदय के जितने भी रोग हैं इससे करने से सब निर्मूल होते हैं। हृदय की शुद्धि, रक्त की शुद्धि और फेफड़ों की शुद्धि और लीवर की कोई भी समस्या, शास्त्री जी का भी अच्छा है हमारे, स्कंद चालन के करने से निर्मूल हो जाती है। स्कंद संस्कृत में कहते हैं कंधे को, स्कंद चालन माने कंधे को चलाना, मूवमेंट ऑफ शोल्डर। दमे वाले को लाभ होता है इसको, फेफड़ों पे लाभ होगा, दमे वाले को लाभ होगा, फेफड़ों की शुद्धि होगी इससे, पसलियों का दर्द ठीक हो जाता है और रीढ़ की हड्डी के रोग में भी लाभ करता है, जो हमारा कटी प्रदेश है उसको मजबूत बनाता है। ये स्कंद चालन बहुत अच्छी क्रिया है। अब पीछे की ओर, हाँ, इतना कंधे को ऊपर कान के निचले हिस्से तक, यहाँ तक कंधा आना चाहिए, जितना ऊपर आए उतना ही नीचे जाए। स्कंद चालन की क्रिया बहुत लाभकारी क्रिया है, दोनों के आगे बढ़िया है। चलो आगे बढ़ो, तीसरी क्या करो, पग चालन। वैसे तो 15 मिनट कर रहे हैं पर यहाँ विशेष छोड़ दिया, अपना प्रदर्शन के लिए थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। मैं आश्रम में तो 15 मिनट कराया जाता है, सारा जीवन तब तो 1 घंटे में हो जाता है। जो लोग अपने कमरों में बैठे हैं आश्रम में, सभी लोग प्रभु जी के दरबार में आ जाए, यहाँ पर यौगिक क्रियाओं का प्रदर्शन हो रहा है, आकर के लाभ उठाइए, कमरों से निकल के प्रभु जी के दरबार में सभी उपस्थित हो जाए। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग वहीं बैठ जाओ, पीछे वाले जो आ रहे हैं, पीछे वाले जो आ रहे हैं उधर ही बैठते रहो। अच्छा ठीक, ये वाला ठीक, जब आसन करेगा तब फिर अभी बैठ जाओ, जगह तो है, बैठ जाओ। ये है पग चालन, पग चालन माने पैर को, पांव को चलाना। इसमें जैसे अभी कर रहे हैं तो दाहिने पांव की एड़ी भूमि को स्पर्श करेगी, बाएं का अंगूठा स्पर्श करेगा। 4 मिनट ऐसे करना है, 4 मिनट पांव को बदल के करना है। पग चालन की क्रिया बड़ी आंत को शुद्ध कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, बड़ी आंत पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और गृहस्थी वात साइटिका पेन आजकल बहुत लोगों को होता है, या बाएं पांव में एक साइटिका नर्व होती है, तो साइटिका पेन जिनको रहता है वो लोग यदि 10-10 मिनट पैर को, इधर सुनिए सब लोग पीछे वाले भी, 10-10 मिनट पांव को बदल के पग चालन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अंगूठा और एड़ी, अंगूठा टच करे निचले वाले पैर का, ऊपर एड़ी, देखिए अंगूठा एड़ी चित लग रही है कि नहीं, दोनों तरफ टांग सीधी रखनी होती है। बहुत सरल क्रिया है, बड़ी हाथों का व्यायाम, बस्ती आगे चलो, पांव बदल के कर लिया, बदल के करो थोड़ा सा, सब लोग देख लें कैसे करना है। आगे चलिए, चौथी क्रिया नाद चाहिए, नाभि चालन की ये क्रिया है, जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया इसका नाम है नाभि चालन। नाभि चालन इसको कहते हैं, नाभि हमारा शरीर का केंद्र है, इसके करने से नाभि मंडल पूरा, ये जो हमारा उदर है इसकी शुद्धि होती है, छोटी आंतों की शुद्धि होती है, छोटी आंतें जो है वो इससे उत्तेजित होकर के अपने मल को छोड़ दे, जो कई कई साल से मल चिपका रहता है पेट में, कोष्ठबद्धता कब्ज जो रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो ठीक हो जाएगा इसके करने से। भूख बहुत लगेगी, खुल करके भूख लगेगी, उदर के सभी रोगों को ही निर्मूल करता है। सर्वेशां रोगाणां निदानं भवति।
सारे रोगों का कारण मल कुपित हो जाता है वो है, इसके करने से मल खुला रहता है, मल आंतों को छोड़ देता है, उत्तेजित होकर के आंतें मल को छोड़ देती है, मल का निष्कासन ठीक से होता है, उदर की शुद्धि होती है, भूख खुल करके लगती है, जिनको भूख नहीं लगती, मंदाग्नि रहती है, अजीर्ण रहता है, गैस के लिए, गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत लाभकारी है, उनके पेट बहुत मोटा हो गया है शास्त्री जी, भी करना चाहिए जीवन तत्व का ये मुख्य क्रिया तो नामी चालन की है, मूल क्रिया है। बहुत सुंदर, इसको 15 मिनट करना होता है, 15 मिनट करने की ये क्रिया है, किंतु प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है तो बहुत अधिक समय नहीं कराएंगे, बहुत है हाँ। और इसके लाभ जो है कितने ही गिनवाए जा सकते हैं, पुस्तक है जीवन तत्व की क्रिया स्टाइल, शायद बुक स्टाइल लगा हुआ है, जिसको चाहिए छोटी पुस्तक है 10 रुपये की, बड़ी है 25 रुपये की। गिरीश देश वर्मा ने बड़े विस्तार से मेडिकली से आपको व्याख्या लिखी है, कैसे कैसे लाभ होता है, किन किन बीमारियों में लाभ होता है, कैसे करना चाहिए आदि का विशेष विवरण उसमें है। धरण चित्त की धरण टिक जाती है, नाभि टहल जाती है, उसके लिए भी ये क्रिया बहुत लाभकारी क्रिया है। सारे रोगों का निदान मल का शोधन करने के लिए, सर्वेशां रोगाणां निदानं तथा मला। तो प्रोफेसर तो अत्र भवति याद आ गया, प्रसक्त आदर्शन लोक संगम से आ रहा संज्ञा सर, एक कुर्सी दे दो भाई डॉक्टर साहब को, बुजुर्ग आदमी भाई गुरु जी के सेवक रहे हैं, इनका ख्याल अमरिंद्र गुरु जी आदमी कर रहे हैं सेवा में, इसलिए इनका विशेष ख्याल करता हूँ बुढ़ापे में, भाई भाई का काम आता है भैया, सही बात है, बेटे तो बहू बोले के अमेरिका है, कोई कहाँ कोई कहाँ, भाई भाई रह जाते हैं। नाभि चालन के बाद जानू प्रसाद, जानू प्रसाद तीन तीन बार जानू प्रसार की क्रिया, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करती है, सक्रिय कर देती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी क्रिया जानू प्रसार है, उनकी नाभि टल जाती है, वो निश्चित क्रिया करेंगे नाभि ठीक हो जाएगी, अपनी जगह जाएगी। तीन बार दाहिने बाँह से आगे बतला हो, तीन बार की लाना होता है, आप लोग बहुत ही झुक जाते हो, सामने लाओ छोड़ दो, सामने बीच में आना चाहिए, सामने सामने आके छोड़ दो, बस तीन बार उसका फोन मत रो रहा रास्ता बंद हो गया, जानू प्रसाद हो गया तीन बार। अब इसके बाद बाल मचरण, जैसे छोटा बच्चा मचलता है वैसे इसको करना है, सिर को रखे रखे करो, हाँ मुट्ठी बंद रखो, हाँ चक्कर नहीं मार देना भैया आश्रम का, बहुत अच्छा है ये बाल मचरण की क्रिया है, इसके करने से नव स्फूर्ति नव चेतना जागृत होती है, बालकों की जैसा मन मुक्ति बन जाता है, हार्ट बहुत तेजी से बीट करेगा, इसमें बहुत तेजी से रक्त संचार बड़ी तीव्र गति से होता है, ब्लड सर्कुलेशन बड़ा फास्ट होता है, दौड़ करके आता है ऐसे ही लेते लेते दौड़ना है, प्रकार से विश्राम बाल ध्यान, बाल ध्यान। अब अपने मन में ये धारणा बनावे कि मैं छोटा सा बालक हूँ, सुंदर से उद्यान में खेल रहा हूँ, हाथ को उल्टा करके रखो, या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मद मत शरीर सबसे मैं परे हूँ, बालक में कोई विकार नहीं, निरंजनोसी संसार माया परिवर्तित होती, मदाल शाह ने अपने पुत्रों को ये ज्ञान दिया था, वैसा ही सबको देना चाहिए अपने बालकों को, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, मदाल शाह के पुत्र योगी बन गए,
हमारे गुरुदेव भगवान के पिता ने भी गुरुदेव भगवान को ये ज्ञान दिया, बाल्यकाल से हमारे गुरुदेव को मुक्त थे ही खरी, पर ऐसा सबको करना चाहिए, ये मुक्ति का साधन है। जैसा बचपन से संस्कार दिए जाएंगे वैसा ही बालक बनता है। तो ये बाल ध्यान की क्रिया, बालक का ध्यान इसमें करना है, बालक के जैसा मन होगा। 5 मिनट बताया गया है, इसलिए 5 मिनट आप ध्यान करें, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे टूट जाओ। नाड़ी संचालन 8वीं क्रिया, पैरों को और खोलो, पैरों को और खोलो, कितना फैला सकते हैं, कम से कम 8 बालिश। नया प्रोग्राम आ गया भैया, वो तो खड़े खड़े करते थे, उन जैसा नहीं हो सकता। तो चलिए करो। हाँ ये है, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, देख रहे हैं हम, उधर ही करो, थोड़ा अच्छी तरह झोला घटा दो, थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा। ये है नाड़ी संचालन, ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए, रक्त की शुद्धि के लिए, तंत्रिका तंत्र की शुद्धि के लिए, नर्वस सिस्टम की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इसके करने से रक्त प्रवाह बहुत तीव्र गति से शरीर में होता है, ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी के साथ होता है, हृदय के रोग ठीक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ये भी 15 मिनट की क्रिया है, 15 मिनट जाके ऊपर देखो, नीचे देख के कर, सर्वाइकल जिनको है उनको ये नीचे देख के नहीं करना चाहिए, सीधा सिर को ऐसे रख के सब करना चाहिए, नहीं तो चक्कर आ जाते हैं। 15 मिनट की क्रिया है ये, 15 मिनट तो काफ़ी श्रम साध्य है, ये 10 मिनट अगर कोई कर ले, हम लोग करते हैं आज 15 मिनट, हाँ 1 घंटा पूरा, थोड़े दिन लगता है फिर अभ्यास में जब आ जाता है तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूरा घुमा करो, देखो ऐसे करो तो हमारी तरफ देखो, ऐसे उधर जाओ तो उधर देखो, हाँ ये है गर्दन साथ साथ उठते रहे, नाड़ी संचालन, नाड़ियाँ मतलब क्या, नाड़ियाँ मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी मतलब वो रक्तवाहिनी नलिकाएं नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं नाड़ी मतलब कि उसमें रक्त रक्तवाहिनी होगी, नाड़ियों का मतलब होता है नर्व, जिनके अंदर संवेद हमारे जो संदेश जाते हैं तंत्रिका तंत्र, उसकी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि होगी तो फिर मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लगने लगेगा, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि योगासन करने से ले जाती है, तो ज्ञान की प्रवाही का ज्ञान ले जाते हैं दिमाग की तरफ, हाँ वही है, वेदनाएं ले जाते हैं, प्राण प्राण को प्राणवाही नाड़ियाँ होती हैं, कुछ रक्तवाहिनियाँ होती हैं, इस प्रकार से नाड़ियाँ अपने अलग अलग रोल करती हैं। बस खड़े हो जाइए, जीवन तत्व साधन की 9वीं क्रिया क्षेपण, खड़े होकर के कुछ क्षेपण करेंगे, एक हाथ और एक पांव को झटक देना है, स्वास्थ्य के साथ में भाग फेंक देना है, ठीक है, बस 3-3 बार, केवल 3 बार। ये थी जीवन तत्व की क्रियाएं, 9 क्रियाएं हर व्यक्ति को करना चाहिए, बाल जो सभी कर सकते हैं, महिलाएं जो 6-7 घेरे जिनके गर्भ है वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं, 5 घेरे के बाद नहीं करनी चाहिए महिलाओं को, तो पहले कर सकते हैं। उसके बाद हम योगासन करेंगे, खड़े होकर के पहले वो लिस्ट बनाया, ताड़ासन आप पढ़ते रहे, ताड़ासन ताड़ के पेड़ के जैसे, ताड़ासन हाथों को छोड़ करके या अंगूठियों को खोलो बंद करो, ये ताड़ासन है, नीचे आ जाओ, 3 बार करो, कोई बात नहीं, बस 1 बार और बार ठीक है भाई, ताड़ासन पीछे से लंबे हो जाते हैं, संतुलन बनता है शरीर का, रोज करेंगे तो संतुलित शरीर रहेगा, बैलेंस के लिए योगासनों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि बैलेंस, शरीर का बैलेंस बनाना आता है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, तो आसन करने से बैलेंस हो जाए, त्रिकोण आसन,
आगे वाले को 45 अंश के डिग्री में मोड़ेंगे, यानी घुटने को इस दल को सीधा रखें और शरीर को आपकी टांग आपका धड़ आपके बाजू एक लाइन में रहे, टेढ़ा ना करें शरीर को, ठीक है। टांग के साथ लगाते हुए आप दूसरी ओर मदद करके करो, पैर को अधिक से अधिक फैलाएं, आप पीछे वाले को सीधा रखें, पीछे की गेड़ी उठा लेनी चाहिए, त्यागी आपका थोड़ा पीछे का जो है कमर थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी है, तो हस्तपादानुष्ठासन, हस्तपाद अंगुष्ठ, हाथ से अपने पांव का अंगूठा पकड़ना, हस्तपादानुष्ठासन, मैंने उल्टा उल्टा पैर पकड़ना है, बालक छोटे हे भोले लाल, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, कमर पकड़ो, कमर सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी, दोनों टांग सीधी, जारी सीधी, हस्तपादानुष्ठासन, उत्कटासन, कुर्सी आसन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैरों को सीधा रख, सीधे सीधे जाओ, मोड़ना नहीं है पैरों को, पीछे जाओ पीछे, घर को सीधा रखो, घर को सीधा रखो, आगे भी करते हैं कुछ लोग, आगे आपको पादहस्तासन, ये तो बहुत सरल है, खड़े खड़े बिना घुटनों को मोड़े अपने हाथों को भूमि पर टिका देंगे, सांस को बाहर करते हैं, पेट इससे मुड़ता है, पेट के रोग ठीक होते हैं, पेट की बीमारी के लिए उधर लोगों के लिए अच्छा है। अब इसी में पश्चिमोत्तान भी लगा सकते हैं खड़े होकर के, खड़ा पश्चिमोत्तान, ठीक है प्रतिकर्म, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, फिर हो गया, भगवान जय, सच्चा ये दरबार है, सच्चा जीवन पाओगे, महावीर आसन, महावीर बाबा कहाँ गया, और नेती नेती का जनवर तैयार रखना, नमक शाम से लेकर के त्यागी जी अविनाश, शाम गुड़िया बोल रहे हैं दोनों को, और हाथ गुड़िया बोल रहे हैं, दूर दूर रखो दोनों हाथों को, वहाँ हिलना नहीं जाता, सीधे रहो बोल रहे हैं, और थोड़ा नीचे जाओ, बनाइए, हाँ ठीक है, महावीर आसन, दूसरी ओर पैरों पैरों को लाओ, दोनों कैसे करो आपको, चलो आगे, महावीर आसन के बाद वृक्ष आसन, ठीक है, दूसरे आप दूसरे पैर से पैर बदल लो, बदल लो, वातायन, वातायन अर्थात खिड़की आसन, खिड़की के मुद्रा में वातायन खिड़की को कहते हैं, अब ये आयन मतलब होता है स्थान, वात का स्थान, वायु का स्थान, खिड़की से वायु आएगी, अलग ही चीज नहीं है, ये गलत है, इसको तैयार मैं भी कर लेता हूँ, ये दूसरे पैर के टकने के ऊपर टकने, लेकिन आज साल योग आश्रम वालों ने सब सीधा कर दिया, सरल कर दिया, ठीक है, उसने को जमीन से सिखा देते हैं, सही कर दिया, गरुड़ासन, गरुड़ गरुड़ की जैसी आकृति बन जाएगी, हाँ ठीक है, गाली का भी ठीक है, भूरे लाल का बहुत बढ़िया, हाँ भाई पक्का हो गया, कौन सा कलर नटराज आसन,
कि पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, नया इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ठीक है, अच्छा बैलेंस क्रिएट चाहिए, जो नई चीजें वो सीखनी चाहिए। देखो ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, दूसरे गाँव से हाँ शाबाश, प्रतीक्षा का है, जाने का है। पारामुष्ट नासा स्पर्शासन, बड़ा लंबा नाम है, पैर के अंगूठे से नाक को स्पर्श करना, भू नमन नाक के अंगूठे को स्पर्श करो नाक से, हो गए खड़े होने वाले आसन सब हो गए, बैठ जाओ, बैठ करके सिद्धासन, हाँ चक्रासन कर लो, पहले अर्ध चक्र लगाओ, वही खड़े होकर के पीछे पांव को पकड़ लो, ये है अर्ध चक्र, बहुत सुना, ठीक है, एक पांच सिद्धासन, एक पाद शिरासन, खड़े होके थोड़ा होता है, रुको हाँ लगाओ, अब इसमें ये मावी वाला थोड़ा सा ऊपर दूसरा पैर गर्दन के ऊपर करो, ट्रेनी है अभी, अंडर ट्रेनी, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ना भी अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत सुंदर, सिद्धासन बैठ जाइए, ध्यान में बैठने का बहुत अच्छा आसन है ये, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि सिद्धासन से हो जाती है, अपने बाएं पांव को सीधे प्रदेश में लगाएंगे, दाहिने पांव को ऊपर लगा करके सीधे बैठ जाएंगे, सिद्धासन हो जाएगा, प्राण अपान सिद्धासन के बाद स्वस्तिक आसन है, ये स्वस्तिक आसन है, ये भी ध्यान में रखिए, स्वस्तिक आसन के बाद पद्मासन, कमल आसन भी कहते हैं, कमल को कमल, भक्त पद्मासन, हाँ प्रतीक का भी अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, भक्त पद्मासन के बाद उत्थित पद्मासन, ठीक है, शरीर को थोड़ा झूला लेना चाहिए, आगे पीछे घुमाओ, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, कुक्कुट आसन, कुक्कुट माने मुर्गा, हाँ ठीक है, उसका चलो उठो उठो, कौन सी गलती है, हाँ दर्शन चलो कोई बात, नाम क्या है इस आजकल नाम नहीं पड़े कलिष्ठ पुलिस है, ना हिंदी नाम, अंग्रेजी ना बंगाली ना क्रिश्चियन नाम, अरे सर कुछ आज के नाम निकले, तुम्हारी टाट आ रही है, मत्स्यासन और मासन लगाओ,
टांगों को नहीं उठाना, थोड़ा ऊपर रखना है। अब टेबल पीठ उठानी है, ठीक है। ऊपर देखो, हाँ ठीक है। तोलन कुलासन, पद्मासन लगा करके नीचे अपने मत्स्य के ऊपर अपने शरीर को थोड़ा सिर को छाती को उठा के रखो और उधर से पैर सीधा रहिए, थोड़ा पैर उठाओ, हाँ तो सीधे करके पैर उठाओ, ठीक है। गर्दन को उठाओ, अर्धमत्स्येन्द्र, अर्धमत्स्येन्द्र आसन, भाई एक क्विंटल दिवड़ी 50 किलो हो गई है, फूट हो गई है, तो क्विंटल फूट हो गया, क्या करें, पूर्ण मत्स्येन्द्र तो कोई करने वाला नहीं होता। पार्वती आसन बहुत सरल है, बटरफ्लाई गुप्त आसन भी बोलते हैं इसको, इसी में भद्रासन भी होता, भद्रासन पैर घुमा के ठीक है, ठीक है। इधर आ जाओ मेरे पास, गाय के मुख के जैसे गोमुखासन आसनों के बाद हाँ वृषभ आसन कर लो पहले, हाँ ये वृषभ आसन के ऊपर घुटना, दूसरा घुटने के ऊपर घुटना टिका के बिल्कुल दोनों पैरों को अलग अलग पैर तो नहीं लगता, थोड़ा ठीक से ध्यान में बैठने का आसन है ये भी, प्रशासन में भी बैठते हैं कुछ लोग, क्या जानू शिरासन, ये तो सरल है, फिर ले जाओ पीछे, एक पांव को मोड़ लेंगे और एक को सीधा करके अपने हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़ के अपने जानू पर सिर को स्पर्श करा देंगे, सांस बिल्कुल बाहर निकाले पूरा, जानू शिरासन, श्वास को बाहर फेंक करके पेट को अंदर से कोड़ के उद्यान बंद लगाते हुए इसको करेंगे तो वो योग मुद्रा महामुद्रा कहलाती है, बदल लो, और दूसरे पांव से बच्चों पैर को ऐसे नहीं रखना है, पैर को इधर रखना है, बीच में लगा देना है, पश्चिमोत्थान आसन, ठीक है बहुत अच्छा, पश्चिमोत्थान पेट की बीमारियों को ठीक करता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है, जिन आसनों में आगे की ओर पेट मुड़ता है वो सब पेट की बीमारियों को ठीक करने वाले आसन है, उधर शुद्धि उधर विकार होने करने से ठीक होते हैं, पश्चिमोत्थान में एक वो मैंने देखी वो शीला हो गया रहती थी ना, तो 7 नंबर में वो भी देखी, वो तो मुड़ गई थी बच्चे मोहनलाल बाबा करते थे दो दो घंटे का, पश्चिमोत्थान आसन वायु पश्चिम वाहिनी होती है इसके करने से, भूषण प्रसारण आसन थोड़ा कठिन है, पक्षी आसन कहते हैं, पक्षी के जैसी आकृति बन जाती है इसको पक्षी आसन कहने लग गए हैं, भूषण प्रसारण भूमि पर अपने हाथ पैरों को संप्रसारण माने फैला दें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब बात बालक का बहुत अच्छा है, ठीक है बहुत सुंदर, ये कर रहा है
मेरे बाबा जी को कंप्लीट कर रहा है। मकासन बगुला बगुले के जैसे ये कंधे के पास ऊपर उठाओ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर, किसी का नाक आसन भी होता है। हाँ ठीक है ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छे। दंड पीड़न आसन, दंड पीड़न आसन तो हमारे कितने पद्मासन दो लगा करके ऐसे इसको चरण कमियों को छाती से सजाइए बैलेंस बनाते हुए। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं आगे उसका हो गया, उसका हो गया, हटा दिया इसका हुआ। अब दोबारा करो, अभी नरम मटिया है तब जाएंगे। पादंगुष्ठासन, पादंगुष्ठ एक पैर पर बैठो, ये ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा लाभकारी है, बैलेंस इससे ठीक बनता है। एक पैर पर धीरे वाली नाड़ियाँ जो हैं वो उससे उनको बल मिलता है। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, इसके करने पेट की बीमारियों को भी ठीक करता है। वज्रासन, कोई बात नहीं, वज्र कितना मोड़ दे, ऐसे नहीं, एक और करो, थोड़ा उसको पैर को ऐसे ऐसे मोड़ो, बगल में मोड़ो, खोलो को दोनों को खोलो, और नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल सीखी इधर, जैसे तू करके जैसे वो बैठा, जैसे जैसे वो बैठा है, अब आगे से मिला लो, ये है ठीक वज्रासन, ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसी में प्रसुप्त वज्रासन, इसी में लेट जाओ। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, इसी में लेट जाओ, शाबाश। ऐसे नहीं, वैसे ही जैसे पैर पहले किए थे, गंगा से ही पैर करके अब लेट जाओ। त्यागी गंगा के ऊपर आप, हाँ एक पाद शिलासन बैठ करके होगा, किसी में वो शासन ही होता है। ठीक है, ठीक है, मंडू का आसन, दूसरे पांव से नहीं किया, दोनों पांव से करना चाहिए, दोनों पैर लगाना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों पैर लगाओ, ठीक है, पहले आश्रम में आके सीखो। बहुत सुंदर, ये है श्रीपाद सिंहासन, ऐसे हाँ दोनों हाथ दिखा के रखना, रुक जाओ, बहुत अच्छा, ठीक है, श्रीपाद सिंहासन। मंडुकासन, मंडुकासन तो बहुत सरल है, प्रोस्टेट की समस्या जिनको होती है उनके लिए बहुत लाभकारी है मंडुकासन। मेंढक आसन, मंडू पानी मेंढक कूप मंडू, धरती के लिए बहुत लाभकारी है, प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभकारी है, पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है, ओष्ट्रासन आधा उठ जाओ, ओष्ट्रासन एड़ी पकड़ो ऊंट के जैसे, ठीक है, मयूरासन पैरों को सीधे रखना है, मिला करके जितना अच्छे उठा उतना पैर उठाओ, ठीक है, बहुत अच्छा मयूरासन। आसन धनुरासन, बैठ करके धनुष को खींचो और बाण का संधान छोड़ दो, बहुत बढ़िया, पूरा लगा के अभी छूटा है कुछ,
वैसे आप लोग सिंहासन के बाद क्या करते थे? ये सिंहासन कर लेते हैं, सिंहासन के बाद हुआ सिंहासन सिंहासन लिखा नहीं क्या सिंहासन? हाँ झूठ है सिंहासन के जैसे निकालो अब धनुर सिंहासन के बाद अब करो आकर्ण धनुरासन। सिंह की दहाड़ है सामने पहाड़ है बैठने वाले आसन हो गए लगभग सब उत्तान पाद शव आसन में लेट करके अपने पाँव को उठा लें थोड़ा सिर को उठा लें उत्तान पाद थोड़ा उठाना चाहिए थोड़ा सा और कम बच्चों कम करो सिर को उठाओ भाग का सारा नहीं लेना है भाग को ऊपर उठाना ऐसे लगा के रखो उत्तान पाद वहाँ से कुछ नाभि ढल जाती है इसकी नाभि को ठीक करने के लिए उत्तान पाद आसन होता है। पर्यंक आसन पर्यंक तकिया हाथ जोड़ो ठीक है बहुत अच्छा दूसरे पांव से करके दिखाओ हाँ ठीक है बहुत अच्छा सब बात पवन मुक्त शुक्र ठीक है पवन अब इसी में पवन मुक्त आसन अब गर्भासन आएगा बाद में आया लिखा लिखिए पर मुझे याद है हाँ ठीक है इसके पीछे सर्वांग के बाद आएगा पवन गर्भासन थोड़ी लगाइए पवन मुक्त हाँ पवन मुक्त आसन के बाद पवन मुक्त हो जाती है इससे रेस्ट तो बनती है रेस्ट बनती करती भाग अब करो सर्वांग सर्वांग तोलंगना तोलन भी कर सकते हैं लुड़कना पीठ की रड्डी का रड्डी का सर्वांगासन सीधा करो शरीर को सर्वांगासन बहुत सरल है कमर को कमर और उठेगी कमर और उठेगी उसका ठीक है घोड़ा भी सीख रहा है ठीक है इसमें हलासन होता है अब इसी में पीछे पांव को ले जाएंगे हलासन ठीक है टांगे से निकल से देख लो हलासन हाँ इसमें इसी में ही सर्वांग आसन में भी सर्वांग पदचालन क्रिया भी कर लेते हैं पद्मासन भी लगाते हैं हाँ और इसमें सर्वांग पद भी बोलते हैं उसको और ये पैर चलाना सर्वांग पदचालन क्रिया इसलिए पाँव को साइकिल के जैसे चलाएंगे तो ये कहलाएगा सर्वांग पदचालन इसमें भी साइकिल में हवा भरते हैं लोग हाँ फुस 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 ऊपर नीचे करो इसको पद्मासन लगा सके सांस को भरो जैसे साइकिल में हवा भरते थे पहले हाँ ठीक है बहुत सुंदर आवाज आगे चाहिए श्वास की श्वास बाहर फेंकने की बस हलासन हलासन हो गया इसमें हलासन कर लिया कर्णपीड़न आसन रह गया इसमें सर्वांग नहीं ठीक है इसका ठीक है हाँ काम के साथ कर्णपीड़ मतलब कान को दवा लेना पीड़ा देना कान को भुजंग आसन अब पेट के बल लेट जाइए शलभ करने से पहले शलभ आसन हाँ सही होगा शलभ भी पेट के बल लेट गई पहले शलभ आसन और उठाओ पैर फिर उठाओ हाँ नाभ्यासन हो गया अभी और उठाओ पैरों को बस अब भुजंगासन भुजंगासन में शीतिक प्राणायाम आधा उठाओ
थोड़ा ऊपर उठो, हाथों को उठाओ, सूर्य प्राणायाम, इनको चौंक की तरह बनाओ गोल, इनका गोल नहीं होता है, वो दांतों को जीभ के बीच में दें और छिड़कार करते हुए जोर से दांत खींचने लगे। पित्त जिसका बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, बहुत लाभकारी करके फिर खींचना है, जिसका गोल नहीं बनता होता। सर्पासन पूरा उठ जाओ, कमरी सीधी कर दो, हाथों की ये सर्पासन हो गया, नारे की बात करो, इसमें पीछे देखो, पैर की एड़ियों को देखना चाहिए, हाँ एक बार इधर से एक बार इधर से। नौकासन, नौका हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। अब इसी में नाभ्यासन का एक और भी प्रकार है, नौकासन में थोड़ा हाथ पैरों को खोल लेंगे, नाभि पर जोर पड़ता है, ये भी इतनी नहीं, इसमें घूमना नहीं है, सीधा रहना होता है, ये भी एक प्रकार का नाभ्यासन। धनुरासन, इसी में धनुरासन, हाँ ठीक है, शाबाश, बहुत सुंदर। क्या हो गया? ठीक है, आओ ऐसे ऐसे घुमा करके पकड़ते हैं आसन, क्या हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब चक्रासन, खड़े होकर के करेंगे चक्रासन, कौन सा खड़े होकर नहीं होता है उसे कर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चक्रासन के बाद थोड़ा सा शवासन कर लो, चक्रासन या फिर धनुरासन, धनुरासन करना चाहिए, थोड़ा सा धनुरासन दोबारा, मयूर रह गया, मयूर रह गया ना, मयूरासन हो गया, हो गया, शीर्षासन रह गया, वृश्चिक रह गया, आसन करो भाई, चक्षु वही करो, वही करो, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड़ना थोड़े करो, गुड़ना थोड़े मत करो, पैरों को मिला कर रखो, हाँ पैरों को मिलाओ, ठीक है, अब शीर्षासन, शीर्षासन शीर्ष परमासन, ये शीर्षासन है, इसको विपरीत करने मुद्रा भी बोलते हैं, पद्मासन लगाओ, पद्मासन लगाओ, पद्मासन इसमें भी पगचार कर लेते हैं, टाइटनिंग हो जाती है, इसमें तो शीर्ष पद्म है, बस ये योगासनों का प्रदर्शन था, प्राय सभी योगासन इसमें करा दिए गए, जो लोग नित्य प्रति जीवन तत्व साधन और योगासन करते हैं, औरों को सिखाते हैं, जीवन तत्व साधन और योगासन करने से बहुत लाभ होता है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मन बुद्धि स्वस्थ रहती है, इसके बाद ध्यान में बैठेंगे तो बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, शवासन करें, अब कराई जाएगी, गर्भासन रह गया भाई, चलो गर्भासन करो, नहीं होगा और ठीक है, बड़ा चार साल का इतने करके दिखा रहे, बड़ी बात हो गया, गर्भासन हो गया, बस योगासनों की क्रियाएं हो गई, अब करा देंगे नेति, करोगे
दंडवत करो पूज्य को अभी तीन बार ये न्योली क्रिया है पेट की बीमारियों को सांस को बाहर रखेंगे जितनी देर तक बाहर रखेंगे उसी में पेट को अंदर बाहर करके सांस बाहर पूरा श्वास को बाहर फेंक करके दोनों तरफ से क्रिया पेट की बीमारी को ठीक करती है जगह को प्रेरित करती है। अब इसके बाद नीची क्रिया कराई जाएगी हठ योग की छोटी सी क्रिया है नेति नेति धोती बस्ती न्योली कर्नाटक छल प्रक्षालन ये छह षटकर्म कहलाते हैं। नेति धोती तथा बस्ती धोती कपिल भाती चैतानी षटकर्माणी समाचरे हठ योग प्रदीपिका सूत्र ने भी आप लोगों में से हाथ उठाओ कितने लोग जीवन तत्व साधन प्रतिदिन करते हो 40% ठीक है मतलब इतना बुरी स्थिति नहीं है। पहले नीति क्रिया पहले कह गए सूत्र नीति कपाल शोधनी चैव चिंत्र दृष्टि प्रदायिनी जब कूद रोगोगम नेति राशो निहंति च नेति क्रिया कपाल का शोधन करती है दिव्य दृष्टि को देती है नजर तेज हो जाती है नेति क्रिया करने से जो प्रतिदिन नेति का अभ्यास करते हैं। चंद्रमोहन जी महाराज की जय दूधनाथ जी की जय पुराना अपना बूढ़ा आदमी है बैठ जाओ कुर्सी लगा के वही बैठ जाओ कुर्सी लगा लो हाँ ठीक बढ़िया दिखाओ सबको सेंटर में आओ सबको दिखाई दे हाँ बीच में करेंगे और कितने लोग नीति करते हैं हाथ ऊपर उठाना नौ दस है ये नीति क्रिया है नाक में ऐसे सूत की डोरी को डाल के मुख से खींचते हैं उसके बाद लगाते हैं हाँ बहुत सुंदर ठीक है। अब दूसरी नाक से करके दिखाएंगे आस पास के लोगों को भी यहाँ योगाश्रम में आकर के सब क्रियाएं सीखनी चाहिए। दूसरी नाक से जिनको जुकाम रहता है नजला रहता है साइनस है माइग्रेन है सब नीति क्रिया नहीं करने से ठीक हो जाता है। नीति करें जल नीति करें नाक से दूध पिए जीवन तत्व करें ये हमारे कोर्स का मुख्य वो है अंग है नीति क्रिया और नाक से दूध पीना और जीवन तत्व करना इसके बाद मंत्र जब हो ध्यान बस ये कोर्स है। शरीर में कमजोरी है दिमाग में कमजोरी है याद आदत खत्म हो जा रही है हाँ दूध नीति से जिला में थोड़ा आधा कम अथवा आधा लोग डाल के दूध गर्मियों में विशेष करना पड़ना चाहिए टेंशन फ्री है दाएँ का भी सूट मिला लेना चाहिए आधा चम्मच बादाम लोगों की बादाम लोगों भी नाम करता है ब्राह्मी घर हाँ इसमें डालो ना क्या चल
ये है जलनेत्री। पता नहीं चलता कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा है, मूंछों में से बह रहा है। बहुत बढ़िया भगीरथी गंगा की तरह अभी संदोक हो रहा है। ये है जलनेत्री। जैसे किसी नाली को साफ करने के लिए पहले उसमें डंडा झाड़ू कुछ चलाते हैं फिर पानी डालते हैं तो शुद्ध हो जाती है, ऐसी पहले सुत्रनेति की अब जलनेति। जलनेति आंखों की दृष्टि को नजर को तेज करती है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब इसके बाद कपाल भाती, शीत क्रम कपाल भाती। तीन प्रकार की कपाल भाती होती है, वात क्रम, युद्ध क्रम और शीत क्रम कपाल भाती, जिसमें से ये बहुत अच्छा ये शीत क्रम कपाल भाती है। आजकल तो लोग कपाल भाती बोलते हैं, इसको कपाल भाती मानते हैं। हमारे आश्रम में जब हम कपाल भाती बोलते हैं तो ये कपाल भाती है। शीत क्रम कपाल भाती को हम लोग कपाल भाती प्राय जानते हैं। हाँ, कपाल भाती करने से स्वर मधुर होता है। जो लोग संगीत का गायन करते हैं वो यदि कपाल भाती करें तो स्वर कंठ से मधुरता बढ़ती है और मुखमंडल पर तेज बढ़ता है। चेहरा जो है मुख हमारा दीप्तमान रहता है, कफ की निवृत्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, इसके बाद जो है ना थोड़ा ऐसे ताकि पानी अंदर ना रहे दोनों तरफ से कर लिया जाता है। उसके करने से पहले हाथ से सब जो है सीटें आ जाएंगी। पंखा तो मेरी तरफ भी है, थोड़े करो बत्ती के तो ऐसा कर लेना चाहिए ना, अपने नाक में पानी नहीं रहना चाहिए। पानी नाक रहेगा तो और विकार पैदा करता है, वो माइनस वगैरह कई बार और बढ़ जाता है। इसलिए जलनेत्री भी ये देखने वाली बात है कि जल का निष्कासन ठीक से हो, पानी पूरा निकल जाए, उसके लिए करना बहुत जरूरी है। तो ये सब प्रकार की क्रियाएं कराई गई, जीवन तत्व साधन, योगासन और ये नीति, जलनेति, सूत्रनेति, जलनेति, शीतक्रम, कपाल भाती, न्योली, सबका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। अपने घरों में भी जो इन सब क्रियाओं को करेंगे, बालकों को सिखाएंगे, जीवन तत्व को सबको करना चाहिए और योगासन भी कुछ जो मुख्य मुख्य आसन है, सर्वांग आसन है, धनुरासन, चक्रासन, सब इतना कुछ सब कर ही सकते हैं, उससे शरीर बिल्कुल शरीर और मन स्वस्थ बना रहेगा। देखो आप लोगों ने ये क्रियाएं देखी, हमारे आश्रमों में सभी आश्रमों में प्रतिदिन ये क्रियाएं कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं निःशुल्क। कोई भी सीखना चाहे बिना फीस के, शुरू से ही गुरुदेव के समय में नेत्री भी मुफ्त में दी जाती थी और थोड़ा सा पाँच पाँच सात किलोमीटर की बने थे। गुरुदेव कहते जब हमने पहले प्रचार किया सवाई में तो लोग जयकुमार है, जयकुमार बना बना के रहता है। तो गुरुदेव कहा करते थे जब पहले सवाई आश्रम में आए, बहुत लोग जो बीमार रहते थे केवल नेति के प्रभाव से, नेति के प्रचार से अपने ठीक कर दिया और 150 नेति रोज बनाते थे। शाम को एक श्याम लाल कढ़ेरा था, वो मदद करता था गुरुदेव का, 150 नेती रोज बनाते, 150 आदमी को सब करा देते, फिर 150 फिर बनाते। बहुत दिनों तक ये काम चलता रहा। नेती बहुत फायदे की क्रिया है, इसके करने से मंजिला दुकान उठा तक भी ठीक हो जाता है। तो हाँ, स्वर ठीक चलता है, काम आपके जो है ठीक चलती है, दिमाग का टेंशन भी दूर रहता है। इस प्रकार से नेती बढ़िया क्रिया और भी क्रिया है, इस प्रकार से प्रतिदिन हमको करने का प्रयास करना चाहिए। नीति करें, जल नीति करें,
जीवन पर प्रसारण करें, ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं 40% में हाथ उठा जाए कि हम प्रतिदिन करते हैं, तो अगले बार में कम से कम 80% लोगों का हाथ उठे हैं कि हम करते हैं, लेकिन वैसे हाथ नहीं उठा देना करो तब। हाँ हाँ, करना चाहिए, करते ही होंगे जो हाथ उठाते हैं, जब दरबार में घुटन उठाएंगे तो सबको करना ही चाहिए। अभी हमें स्वस्थ रहना है तो सब चाहिए। इसी के साथ में इस समय का ये सब योगात्मक का समाप्त करते हैं। घूम फिर गया हो, नहा धो गया हो, एक घंटे बाद फिर से भजन आदि प्रकार से चलता रहेगा। आज की कितने बजे होती है? 8 बजे। 8 बजे उनको से जल्दी है। उत्सव में 9 बजे क्या करो? भजन कहने से नहा धो के आते हैं, हम 7 लोग भजन वाले हैं। 8:30 बजे तक सब लोग उससे पहले आ जाए। 8 बजे आ जाए, भजन कीर्तन आदि होंगे। भजन गुरुदेव भगवान की, राम प्रभु रामदास जी महाराज की, सतगुरुदेव योगिराज अनंत श्री चंद्र भगवान की, सिद्ध प्रभा समाय राम योग साधा आश्रम श्री तेज की, गंगे मैया की, जमुना मैया की, ऋषिकेश धाम लाल की, अलोपुर धाम।